बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 9.3 मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ही अभी तक कंटिन्यू है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास काफ़ी सारे पार्ट्स मौजूद थे और ये तमाम पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, तो एक वीडियो में करवाना इसको पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने 2-2 पार्ट्स की वीडियोज़ बनाई हैं। 1-2 एक ही पार्ट में करवाया, 3-4 अलग पार्ट में है और 5-6 अलग पार्ट में। आज की वीडियो में हम करेंगे इसका पार्ट 7, सिर्फ एक पार्ट बचा है 7 पार्ट, वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। फिर आपके पास इसके 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस और मौजूद हैं, जो कि हम मज़ीद अगली वीडियोस में उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। मिनिमाइज जेड इज़ इक्वल टू 0.12x एंड 0.15y। ये आपके पास है मिनिमाइज फंक्शन, आपने मालूम करना ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 5, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 6 एंड x प्लस 3y इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 9। 3 कॉन्स्टेंट आपके पास मौजूद हैं और आपने फंक्शन को मिनिमाइज मालूम करना है कि फंक्शन किस पॉइंट पर जे क्या ऑप्टिमल फंक्शन होगा आपके पास, जिस पर फंक्शन जो है वो मिनिमाइज वैल्यू देगा, यानी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर फंक्शन जो है वो मिनिमम आएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने तीनों कांस्टेंट यानी क्वेश्चन आपने एक वन टाइम राइट करना है, उसके बाद आपने कांस्टेंट 1 की हेडिंग देनी है। मैं डायरेक्ट कांस्टेंट 1 की हेडिंग दे रही हूँ, वैसे क्वेश्चन आपके पास काफ़ी लेंथी हो जाता है। कांस्टेंट 1, अब कांस्टेंट 1 आपके पास है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। कंसिडर एज एन इक्वेजन, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। नाउ फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल्स टू 0। वाई 0 पुट करेंगे एक्स इंटरसेप्ट के लिए तो एक्स आ जाएगा 5। फॉर वाई, अच्छा यहाँ पर मेंशन भी करेंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस इज 5,0। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई आ जाएगा 5। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन विद y एक्सिस इज 0,5। ओरिजिन के लिए करेंगे, फॉर ओरिजिन x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो x और y 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, विच इज नॉट ट्रू। सो ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया कॉन्स्टेंट 1 के लिए। फॉर कॉन्स्टेंट 2 है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। कंसिडर एज एन इक्वेजन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। नाउ फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए करें पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो y 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल आ जाएगा 6 के। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें, दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा, 2 1 2 2 3 6, तो x आ गया है 3। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन विद x एक्सिस इज 3,0।
और वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. एक्स ज़ीरो पुट करेंगे तो टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू सिक्स आ जाएगा. द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन विद वाई एक्सिस इज 0.6. ऑरिजिन के लिए करें फॉर ऑरिजिन पुट एक्स और वाई दोनों ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सिक्स. ज़ीरो ना ही तो बड़ा है सिक्स से और ना ही बराबर है सिक्स के, तो विच इज़ नॉट ट्रू. सो ऑरिजिन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन. भाई बना बड़ा है ना बराबर है, तो ये साइड छोटी है आपके पास, तो जब भी आपके पास इक्वल ये बराबर ना आए, ये ट्रू ना हो स्टेटमेंट, तो ऑरिजन आपके पास सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता. अब करेंगे कॉन्स्टेंट थ्री के लिए. कॉन्स्टेंट थ्री, कॉन्स्टेंट थ्री है एक्स प्लस थ्री वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नाइन. कंसिडर एज एन इक्वेजन एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू नाइन. फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो. वाई ज़ीरो हुआ तो थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो हो गया, एक्स आ गया इक्वल नाइन के. द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस इज 9.0. फॉर वाई इंटरसेप्ट फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो एक्स ज़ीरो हो जाएगा, थ्री वाई इक्वल आ जाएगा नाइन के, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी नाइन अपॉन थ्री. थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो वाई आ गया है थ्री. द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन विद वाई एक्सिस इज 0.3. नाउ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन सॉल्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो पुट करेंगे. ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नाइन. ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं आई कि ज़ीरो जब वो नाइन से बड़ा भी नहीं होता और नाइन के बराबर भी नहीं होता, विच इज़ नॉट ट्रू. सो ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. ये आपके पास हो गया क्वेश्चन का कॉन्स्टेंट वन, कॉन्स्टेंट टू, कॉन्स्टेंट थ्री के लिए. अब हमें फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए, और ग्राफ पेपर पे यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो इनको मुझे थोड़ा सा इंटरचेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो एक्स है फाइव थ्री नाइन, तो नाइन की वजह से हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा, और वाई है फाइव सिक्स और थ्री, तो वाई ठीक दोनों को ही हम जो है वो वही कर लेते हैं जो ताकि सेम आ जाए. यहाँ पर हम ले लेते हैं टू फोर सिक्स एट टेन, टू फोर सिक्स एट टेन, ठीक है. एक्स कॉन्स्टेंट वन के लिए एक्स है फाइव, तो वाई है ज़ीरो, वाई इंटरसेप्ट है ज़ीरो फाइव.
ये आ गया कॉन्स्टेंट वन, अब है एक्स कॉन्स्टेंट टू के लिए एक्स है थ्री तो वाई है ज़ीरो, इसी तरह से एक्स है ज़ीरो तो वाई है सिक्स। अब कॉन्स्टेंट थ्री के लिए करें तो एक्स है नाइन, वाई है ज़ीरो और वाई है थ्री। अब देखिए ओरिजिन किसी के लिए भी जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो कॉन्स्टेंट वन के लिए देखें तो ये फिजिबल रीजन है पूरा, कॉन्स्टेंट टू के लिए देखें तो ये फिजिबल रीजन है पूरा, कॉन्स्टेंट थ्री के लिए देखें तो ये फिजिबल रीजन है पूरा। तो यानी कि आपके पास जो फिजिबल रीजन होगा वो कौन सा होगा, ये पूरा। ये पूरा जो शेडेड रीजन है, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे तो ये हैं नाइन कॉमा ज़ीरो, ये हमें तलाश करना है, ये है ज़ीरो कॉमा सिक्स और ये है एक्स है थ्री और वाई है टू, थ्री टू। अब हमने फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन, आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन, तो द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री इनइक्वालिटीज, द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री इनइक्वालिटीज इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अब इसको नाम भी दे दें, ये ए ये बी और ये सी, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन ए बी सी विच इज शेडेड इन द ग्राफ। फिजिबल रीजन भी आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने करना है लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट्स, लोकेट द सॉल्यूशन पॉइंट्स। सॉल्यूशन पॉइंट्स बताने हैं तो द सॉल्यूशन पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स आर ए है 90, बी है 32, सी है 06। नाउ एवेलुएट द ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन मालूम करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एवेलुएट करना है। इसके लिए हम ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग आएगी सॉल्यूशन पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स की, सॉल्यूशन पॉइंट्स और कॉर्नर पॉइंट्स, यह है ऑब्जेक्टिव फंक्शन
जो कि है सेट इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू वाई, एक्स वाई इज इक्वल्स टू पॉइंट वन टू एक्स प्लस पॉइंट वन फाइव वाई। फर्स्ट आया है आपके पास ए, अच्छा मैंने बी और सी, मैंने फोर लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। ए है आपके पास 90, बी है आपके पास 32, सी है आपके पास 06 और ये है एफ 90। तो 0.12 एक्स की जगह आ गया 9 प्लस 0.15 वाई की जगह आ गया 0। तो 0.12 को मल्टीप्लाई कर लें, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आपके पास है 1.08, ये तो हो गया 0। 3 2 पुट करें तो 0.12 को 3 से और 0.15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपके पास आ गया 0.66। एफ 06 करें तो 1.12 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 6, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 6 0.9। अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, हमने मिनिमम मालूम करना है फंक्शन को ना, मिनिमम कब होगा। 0.9 भी बड़ा है, 0.6 है, 66 है छोटा, तो 0.66 इज़ द मिनिमम वैल्यू, इट इज़ द ऑप्टिमल फंक्शन। Now select the optimal function from the above table as the minimum value of the objective function is 0.66 at the point 32. Therefore, the optimal solution लेंथी क्वेश्चंस हैं ये, कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हैं और लेंथी भी, बट इजी बहुत हैं। मतलब इन्हें करने के लिए आपको एक ही मेथड को फॉलो करना है तमाम क्वेश्चन को, जैसे बाकी सारे जो एक्सरसाइज हैं क्वेश्चंस हैं उसमें तो फॉर्मूलाज भी अलग अलग हैं, तो आपके पास हर क्वेश्चन में अलग मेथड अप्लाई हो रहा होता है, बट ये सारे क्वेश्चन ये सिमिलर हैं, बट ये लेंथी काफ़ी हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है एक का दो क्वेश्चन की अच्छे से, ताकि आप ये एग्ज़ाम में कर सकें। एक्स है 3, वाई है 2। नाउ वेरीफाई द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वेरीफाई द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कैसे वेरीफाई करते हैं भाई, तो भाई आपने जितने भी कांस्टेंट आपको गिवन होते हैं ना, वन बाय वन आपने उनमें इन ऑप्टिमल सॉल्यूशन को पुट करना है। तो ये है फर्स्ट कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट में पुट करेंगे तो फर्स्ट कांस्टेंट है आपके पास एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5। एक्स है 3, वाई है 2, तो 3 प्लस 2 5 इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 5 विच इज़ ट्रू। कांस्टेंट 2 के लिए करें, सेकंड कांस्टेंट कॉन्स्टी आर ए आई एन टी, सेकंड कांस्टेंट है 2x प्लस वाई। कांस्टेंट की स्पेलिंग ठीक है यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट मैंने करेक्ट की है, मगर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बिकम्स x है 3, y है 2, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, 8 बड़ा भी है और 6 है विच इज़ 2। थर्ड कांस्टेंट के लिए करें,
एक्स प्लस थ्री वाइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नाइन बिकम्स एक्स है थ्री थ्री और वाई है टू, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन इज़ ग्रेटर देन बल्कि इक्वल्स टू नाइन विच इज़ ट्रू. ऑल कॉन्स्टेंट आर सेटिस्फाइड बाई द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑल कॉन्स्टेंट्स आर सेटिस्फाइड बाई द ऑप्टिमल सोल्यूशन, इट इज़ वेरीफाइड. ये था आपके पास एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. अल्लाह हाफ़.